लोकसभा चुनाव के छठवें चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर आज यानी गुरुवार शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। इसके बाद शुक्रवार को पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना होंगी। वोटिंग को लेकर निर्वाचन आयोग और पुलिस महकमा तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी 25 मई को छठे चरण में वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार की समय समाप्त होने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने में डटी हुई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार केंद्र सरकार बने, इसके लिए केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत की। छठवें चरण का जो है आज से जो प्रचार है वो खत्म हो जाएगा 25 मई को। हम लोग पहले चरण से लेकर के पांचवें चरण तक एक तरफा विजय की ओर है। हम 300 पार कर चुके हैं और 17वें चरण तक हम 400 पार करेंगे और जनता का आशीर्वाद और समर्थन, विशेष तौर से पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीबों का, महिलाओं का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है, भाजपा गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन दावे कर रहा है कि जो 400 पार का दावा किया जा रहा है, अभी विषय अंतर हो जाएगी। देखिए, सपा में भगदड़ नहीं मचेगी तो कहाँ मिलेगी मचेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी में तो गुंडे, अपराधी, माफिया के सिवा कोई है ही नहीं। आजकल वह अपना ट्रेलर दिखा रहे हैं कि अभी तो हमारा चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद हम क्या हासिल करेंगे, यह वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया जो है वो एक तरीके से कोई बात नहीं, हम लोग राजा भैया जी के समर्थन से नहीं, भाजपा अपने संगठन और अपने काम के बल पर चुनाव जीत रही है। गठबंधन दावे कर रहा है कि जो 4 सीटों के दावे बीजेपी या एनडीए गठबंधन कर रहा है वो हवा हवाई जो है। ये 2014 से ऐसे ही बयान देते हैं कि हवा हवाई दावे हैं। जो दावा किया, जो लक्ष्य रखा, उसे जनता के आशीर्वाद से भाजपा गठबंधन ने उस पर सफलता अर्जित की है, इसलिए हवा हवाई दावे विपक्ष के हैं, भाजपा के दावे धरातल वाले। धन्यवाद। नहीं, ये 2010 से ये डाका डाला जा रहा है और कांग्रेस की सरकार जैसे ही कर्नाटका में बनी उसने इसी प्रकार का खेल किया है। ओबीसी का आरक्षण छीन करके वहाँ मुस्लिमों को दिया और ममता बनर्जी जी की सरकार ने जो ओबीसी नहीं थे, घुसपैठिए थे, उनको ओबीसी का प्रमाण पत्र दे करके सरकारी नौकरियों में उनको अवसर देने का पाप किया है, अपराध किया है और हाई कोर्ट के आदेश को ना मानने की बात कही है। ये बहुत गलत है, ये संविधान विरोधी बयान है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और से ममता बनर्जी सरकार ने जो घुसपैठियों के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए, उनको रद्द करने का जो आदेश दिया है, उस फैसले का मैं स्वागत करता हूं, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और तत्काल इस पर अमल में लाने की मांग भी करती है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने कहा है कि मैं हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगी, उनका यह बयान संविधान के विरुद्ध है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी गरीबों का हक नहीं छीनने देगी, पिछड़ों का हक नहीं छीनने देगी, दलितों और आदिवासियों का हक नहीं छीनने देगी। ये भाजपा का संकल्प है, इसके लिए हम संघर्षरत हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में विशेष तौर से गरीबों के लिए, विशेष तौर से पिछड़ों के लिए, विशेष तौर से दलितों और आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए जितना काम हुआ है, इतना आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों के समय नहीं हुआ है। आज मैं अगर कहूं तो इस देश के बहुसंख्यक जो ओबीसी एससी एसटी हैं, उनके हितों की अब कोई उपेक्षा नहीं कर सकता, उनका अधिकार उनको मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।